प्लस टू क्या होता है? वन, टू, थ्री या फोर? क्या आपको इसका जवाब मालूम है? ओह, आपको तो एक दिमाग चाहिए। चार। जब भी आपको चोट लगती है तो नर्वस सिस्टम आपके दिमाग को इसकी खबर देता है और यूं आपको मालूम होता है कि चोट कहाँ लगी है। नर्वस सिस्टम दिमाग तक खबर पहुंचाने का एक ऐसा सिस्टम है जो किसी तेज रफ्तार गाड़ी से ज्यादा तेज काम करता है। ये ना सिर्फ दिमाग तक खबर पहुंचाता है बल्कि दिमाग के ऑर्डर्स को जिस्म के हर हिस्से तक भी पहुंचाता है। इंसानी दिमाग को काम करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है जितनी कि एक 10 वॉट के बल्ब को चाहिए। और जब आप सो रहे होते हैं तो दिमाग इतनी एनर्जी पैदा करता है कि जिससे एक छोटा सा बल्ब चल सकता है, यानी दिमाग को हम एक छोटा सा पावर जनरेटर भी कह सकते हैं। हमारे दिमाग में अंदाजन इतनी जगह होती है कि हम इसमें तकरीबन 5 इंसाइक्लोपीडिया जितनी मालूमात सेव कर सकते हैं। इंसानी दिमाग में इतनी जगह होती है कि इसमें कंप्यूटर का 1000 टेराबाइट जितना डेटा महफूज हो सकता है। अच्छा, अब हम आपको एक और मजे की बात बताते हैं। बर्तानिया की नेशनल लाइब्रेरी में तकरीबन कोई 900 साल की तारीख महफूज है जो कि दिमाग में सिर्फ 70 टेराबाइट की स्पेस लेती है। तो सोचें, आपका दिमाग कितनी कमाल की चीज है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम कोशिश करें तो जो हम देखते हैं वो सब हम याद भी रख सकते हैं। ये तो हमने सोचा भी ना था। क्या आपको मालूम है कि हम सांस के जरिए जो ऑक्सीजन लेते हैं इसका 20% हिस्सा तो सिर्फ हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है, हालांकि दिमाग हमारे जिस्म का सिर्फ 2% हिस्सा होता है। इंसानी जिस्म में सिर्फ दिमाग ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ऑक्सीजन कम होगी तो दिमाग कमजोर हो जाएगा। इसलिए लंबी लंबी सांसें ली जाएं ताकि दिमाग कभी भी कमजोर ना होने पाए। अच्छा चलें, ये बताएं कि दिमाग दिन में ज्यादा काम करता होगा या रात में? दिन में हम सारा दिन काम करते हैं, बहुत सारी बातें याद रखते हैं और बहुत सारे फैसले भी करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि दिमाग दिन में ज्यादा काम करता है। हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग फिर भी जाग रहा होता है और दिन के मुकाबले में ज्यादा मेहनत से काम करता है। खास तौर पे उस वक्त जब आप ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया में गुम होते हैं, और ख्वाब तो बड़े रंगीन और दिलचस्प होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ख्वाब ब्लैक एंड वाइट ही नजर आते हैं। बाज साइंसदानों का ख्याल है कि जो लोग ख्वाब ज्यादा देखते हैं इनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। शायद ये सच हो। अगर हमें ख्वाब नजर नहीं आते या याद नहीं रहते तो ऐसा हरगिज नहीं है कि हम दिमागी तौर पर कमजोर हैं या हमें कोई कमी है। वैसे भी अक्सर लोगों को ख्वाब याद नहीं रहते बल्कि हमें भी ख्वाब कम ही नजर आते हैं। बरसों ये ख्याल किया जाता रहा कि दिमाग के टिश्यू ना तो वक्त के साथ बढ़ते हैं और ना ही दोबारा पैदा होते हैं, लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत है। दरअसल दिमाग के टिश्यू जिस्म के दूसरे टिश्यूज से मुख्तलिफ होते हैं। दूसरे टिश्यूज की तरह इनकी नशोनुमा नहीं रुकती बल्कि ये सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं और पैदा भी होते रहते हैं। मगर एक हैरत अंगेज बात ये भी है कि महज एक छींक से हमारे दिमाग के कई सेल खत्म भी हो जाते हैं। जिस्म में मौजूद तमाम न्यूरॉन्स एक जैसे नहीं होते बल्कि कुछ की स्पीड बहुत कम और कुछ की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये स्पीड आमतौर पर 0.5 मीटर पर सेकंड से लेकर 120 मीटर पर सेकंड तक होती है। दिमाग को दर्द होता ही नहीं। असल में ये दर्द दिमाग में नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द लिपटे हुए नर्व्स, टिश्यूज
और रगों में होता है, जिसकी वजह से हमारा सर भी दर्द करता है। हमारे ख्याल में आज के लिए इतनी मालूमात काफी होंगी। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।